नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। आज मैं अकेला ही आया हूँ, चारों की मम्मी और निक्की नहीं आए हैं। तो दोस्तों, ये ल्हासा तिब्बत किचन है सहजदार रोड पे, जो सहजदार रोड का एंड है और पैसिफिक गोल्फ से पहले राइट साइड में पड़ता है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा, मुझे तो ये बगीचा टाइप लग रहा है कुछ। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही बढ़िया अंदर पार्किंग है और ये सामने आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा है। और मेरे राइट साइड में आप जो देखेंगे, इधर काफ़ी बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, उसी में इनका बैठने का अरेंजमेंट है। और लेफ्ट साइड में भी इन्होंने काफ़ी कॉटेज बनाए हुए हैं, हट टाइप बनाए हुए हैं, वहाँ भी आप बैठ सकते हैं। और उनके पास पार्किंग की प्रॉपर जगह है, बहुत ही बढ़िया है। तो आज हम और हमारे भाई साहब हैं टिक्कू जी, अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना कि चलो भाई कुछ एक्सप्लोर किया जाए, देहरादून में कोई नई डेस्टिनेशन देखा जाए चाइनीज़ खाने के लिए। तो हम लोग आज आ गए हैं सहजदार रोड पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के और बहुत ही अच्छा फील आ रहा है यहाँ। इनका जो ये मेन्यू है ल्हासा तिब्बत किचन का, और काफ़ी ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये नॉनवेज आइटम ही है, यहाँ काफ़ी वेज आइटम भी मिलते हैं। और आपको दिखाने के लिए हम मेन्यू को आपको दिखा रहे हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रेट जान सकते हैं। स्टार्टर्स में इनके वेज नॉनवेज में काफ़ी आइटम्स अवेलेबल हैं और रेट भी काफ़ी रिजनेबल हैं जैसा मुझे लगता है। और आप देख सकते हैं कि जो इनके स्पेशली तिब्बतन स्पेशल्स करके हैं, मोमोज हैं, आपके थुपका हैं और इंडियन चीज़ें भी बहुत हैं, और चाइनीज़ और तिब्बतन तो है ही इनके मेन्यू में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, सूप की कई वैरायटीज़ हैं, सूप में वेज हैं, नॉन वेज हैं, क्लियर सूप है, स्वीट कॉर्न है, हॉट एंड सॉर है, हक्का नूडल्स हैं, चॉप्सी है, चॉप्स में भी आपको वेज भी है, अमेरिकन भी है। और नॉन वेज तो नो डाउट इनका स्पेशलिटी है, तो बहुत सारे आइटम हैं नॉन वेज भी। तो आप लोग आ सकते हैं कभी, यहाँ बना सकते हैं प्रोग्राम आने का, तिब्बतन फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं तिब्बत ल्हासा किचन में, ल्हासा तिब्बत किचन में, जो कि सहजदार रोड पर रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा है। और हमारे साथ आज भाई साहब आए हैं, ये तो कई बार यहाँ आए हैं और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए, अच्छा ऑप्शन है इन केस आप चाइनीज़ तिब्बती फूड पसंद करते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका रेस्टोरेंट है, जगह बहुत अच्छी, पार्किंग बहुत बढ़िया अंदर। तो अभी आज हमने ऑर्डर किया है सूप और कोठे मोमोज ऑर्डर किया है, कोठे मोमोज और चिली चिकन ऑर्डर किया है। तो आपको दिखाते हैं, टेस्ट कराते हैं कि इनका कैसी प्रिपरेशन है, कैसा इनका खाना है। तो दोस्तों, हमने आज ऑर्डर किया था सूप और कोठे मोमोज, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं देखने में, तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, खा के आपको बताएंगे। ये चिली चिकन है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा जो लोग रियल टेस्ट लेना चाहते हैं चाइनीज़ फूड का या तिब्बती फूड का, तो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है चाइनीज़ खाना एंजॉय करने के लिए। ल्हासा तिब्बत किचन, जैसे मैंने बताया कि सहजदारा रोड का जो एंड है, पैसिफिक गोल्फ से पहले ही इसकी लोकेशन है राइट साइड में। और आज हमारे भाई साहब आए हुए हैं टिक्कू जी, आज हम दोनों रिटायर्ड लोग हैं, तो मैंने भाई साहब से कहा कि भाई चलिए चलते हैं, कुछ कहेंगे भाई साहब रेस्टोरेंट के बारे में। हाँ, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, यहाँ तिब्बतियन ऑथेंटिक खाना मिलता है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा खाना है, आपको अच्छा टेस्ट करना है। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब तो यहाँ कई बार आ चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और हम लोग पहली बार आए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो साथियों, सोचा मैंने कि छोटा सा ब्लॉग, आज निक्की और चारों की मम्मी घर पर ही हैं, वो नहीं आए हैं क्योंकि आजकल हम लोग देहरादून में हैं। तो दोस्तों, ये कोठे मोमोज हैं, कोठे भी बोलते हैं कुछ लोग, कोठे कोठे, ये हाफ तंदूरी होता है और हाफ बॉयल्ड होता है, इसकी जो स्पेशलिटी है। और ये हमने मंगाया है चिली चिकन बोनलेस,
बोनलेस चिली चिकन अभी खा के आपको बताएंगे। और ये हमने सूप मंगाया है, सूप भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए भाई साहब, कैसा लगा सूप आपको? सूप बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और भाई साहब हमारे अब टेस्ट कर रहे हैं कोथे मोमोज, टेस्ट करके बताएंगे कैसे मोमोज हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कैसा लगा भाई साहब बताइए? अल्टीमेट है, बढ़िया। हाँ, अब चिली चिकन भी टेस्ट करके बताइए हमारे दर्शकों को। कैसा लगा भाई साहब चिली चिकन? बढ़िया बढ़िया सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन किए हुए हैं। और अब आपको भाई साहब ने बताया खान के मोमोज बहुत अच्छे थे, सूप भी बहुत बढ़िया है, चिली चिकन का आइटम भी बहुत बढ़िया है। वाह अल्टीमेट टेस्ट साथियों, अभी मैंने सूप टेस्ट किया है, बहुत ही बढ़िया है। आप लोग ये ना समझे कि हम हर जगह जाके तारीफ ही करते हैं सब चीज़ों की, तो कुछ होते ही इतने बढ़िया खाने में टेस्टी होते हैं कि तारीफ करनी पड़ती है। और अब मैं जो है मोमो टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैं मोमो टेस्ट करके बताता हूँ आपको। मैं अचानक ही आ गए थे, कोई रिकॉर्डिंग का कोई ब्लॉग बनाने का इरादा था नहीं कि चलो भाई घूम के आते हैं। कोठे मोमो भी टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं चिली चिकन आपको टेस्ट करके बताता हूँ। चिली चिकन थोड़ा देखने में कुछ वो ड्राई सा लग रहा है, थोड़ा साथी वो डिफरेंट टेस्ट है जो नॉर्मली हम चाइनीज रेस्टोरेंट में खाते हैं। बेसिकली जो रेस्टोरेंट है लहासा तिब्बत किचन के नाम से है, तो मुझे लगता है सारे ही तिब्बती लोग हैं जो शेफ हैं, स्टाफ हैं, तो इनके खाने में एक ऑथेंटिक चाइनीज टेस्ट आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट है जो हम लोग शहर में चाइनीज खाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये था छोटा सा ब्लॉग आज का हमारा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।